बच्चों, आज मैं आपको आपका बूढ़ी अम्मा की बात नामक जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगी। उस चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया था कि मेहनत के महत्व को दर्शाया गया था, मेहनत के महत्व को प्रतिपादित किया गया था। एक किसान है जिसका नाम है गोमा, उसके पास एक गाय, एक जोड़ी बैल, जोड़ी का मैंने आपको कल मतलब समझा दिया, दो बैल और 20 बकरियां है, एक खेती का टुकड़ा है जिस पर वह इतनी खेती बाड़ी कर लेता है कि उसका उसका जो गुजर बसर है वह आराम से हो जाता है। अपने पशुओं से उसे दूध मिल जाता है, उससे जीवन चलाता है। लेकिन 3 साल से बरसात धीरे 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 कम हो रही है, इस कारण से जो जमीन है वह सूख गई है, वहां खेती नहीं हो पा रही है। और आषाढ़ के इस बार भी आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का पहला दिन मैंने आपको बताया ना, आषाढ़ का पहला दिन बरसात का पहला दिन होता है, जब बारिश चालू होती है उसका पहला दिन। तो इस मौसम में बारिश का इंतजार करता है किसान, सबसे ज्यादा किसान को बारिश का इंतजार करता है। तो इस तरह इस बार भी आषाढ़ सूखा रह जाएगा, दूर दूर तक कोई बादल नजर नहीं आते, काले बादल नजर नहीं आते पानी से भरे हुए। और इस तरह से गोमा की हिम्मत धीरे धीरे जवाब देने लगती है। फिर भी गोमा हिम्मत करके अपने घर आता है और फिर से अपने बैलों के ऊपर हल को रखकर हांकते हुए उन्हें अपने खेतों की ओर जाता है। लोगों का काम होता है दूसरों को जो काम कर रहे होते हैं उनको हतोत्साहित करना, उनके ऊपर कोई ना कोई कटाक्ष करना, कोई ना कोई बात कहना, ये लोगों की आदत होती है, लोगों का काम कहने का होता है। ऐसे ही जब गोमा अपने बैलों के ऊपर हल को रखकर हांककर खेतों की ओर जा रहा था, कुछ किसान उससे बोले, अरे गोमा तू जा रहा है, कोई फायदा नहीं तेरे जाने का, तुझे पता है दूर दूर तक तो बादल दिखाई देते नहीं है, तू क्यों बेकारी मेहनत करता है, प्रत्येक दिन खेतों में जाता है और मेहनत करता है, तू मत जा, कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। गोमा एक बार तो गोमा का मन डावाडोल होता है, डावाडोल मतलब ऐसे जाऊं नहीं जाऊं, घर वापस चल जाऊं, लेकिन फिर मन को समझाते हुए वह अपने खेतों की ओर चला जाता है। खेत पर पहुंचकर आकाश की ओर देखता है, आकाश में जो सूरज है वो तेज गोली की तरह चमक रहा है। जमीन की ओर देखता है तो जमीन में दरार पड़ गई है, गहरी गहरी चौड़ी चौड़ी दरार पड़ गई है। क्यों? क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला गया, इस कारण से ऊपर की जमीन ड्राई हो गई और ड्राई होने के कारण उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं। और तब उसके बाद वह अपने बैलों को देखता है, बैलों को भी प्रॉपर वे में खाना नहीं मिलता, पानी पीने को नहीं मिलता, इस कारण से वे भी शारीरिक कमजोर हो गए, दुबले हो गए। तीनों स्थितियों को देखकर गोमा अपनी हिम्मत हार जाता है और अपने अपने खेत के मेड़ के पास बैठ जाता है और निर्णय करता है कि अब जब तक खेती नहीं करेगा, जब तक की बारिश नहीं होती है, वह उठता है और अपने बैलों को लेकर अपने घर की ओर चल जाता है। दूसरे दिन गोमा फिर हिम्मत करकर अपने खेत की ओर आता है। रास्ते में अब उसकी इच्छा ना तो खेत पर जाने की और ना ही घर वापस लौटने की, वही कड़कती धूप में वह एक पेड़ के नीचे अपने बैलों को बांध देता है और बैठ जाता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा, एक बुजुर्ग महिला अपनी नातिन बेटी की बेटी से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रही है, इसलिए हाथ में लकड़ी टेकती हुई जा रही है। धूप तेज होने की वजह से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए गोमा जहां पर बैठा है वहां पर जाकर रुकती है। जैसे ही गोमा उस बुजुर्ग महिला को इतनी तेज धूप में आते हुए देखता है, पूछता है, बूढ़ी अम्मा तुम कहां जा रहे हो इतनी तेज धूप में, क्या जरूरत है तुम्हें कहीं जाने की? तो बोलते, मैं अपनी नातिन से मिलने जा रही हूँ। लेकिन मैं तो नातिन से मिलने जा रही हूँ, लेकिन तुम तो किसान हो और तुम किसान होकर आषाढ़ के महीने में, इस महीने में जब किसान को खेतों में जब हल चलाने का समय होता है, हल जोत अपने किसान अपने खेतों को जोत कर तैयार रखने का समय होता है, बारिश आएगी, ऐसे में तुम यहाँ बैठे हो, क्या कारण है? क्या तुम्हारे बैल बीमार है? क्या तुम बीमार हो? क्या हल टूट गया? कोई तो कारण होगा जिसके कारण तुम बैठे हो। तब गोमा बोलता है, बूढ़ी अम्मा ना तो मेरा हल टूटा है, ना मेरे बैल बीमार है, ना मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी जो शक्ति है, मेरी जो इच्छा शक्ति है वह खत्म हो गई है, मेरा जो धैर्य था, सहनशीलता थी, वह खत्म हो गई। तब और फिर बताता है, देखो अभी ना तो इतनी कम बरसात होती है कि ना मेरे इन बैलों को कितने कमजोर हो गए, धरती कड़क हो गई है, ऊपर सूरज आसमान आग बरसा रहा है, ऐसी स्थिति में मेरे बैलों से यदि मैं ये खेत जुतवाऊंगा तो ये बैल भी
मर जाएंगे, इनको पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में फिर जो बुजुर्ग महिला है वे क्या कहती है, हम यहां से इस बात को पढ़ेंगे, निकाल लीजिए आप। बूढ़ी अम्मा बोली, पेज नंबर 106, बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम निराशा की बात मत करो, पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही, पेड़ तो यहाँ सब लोग काट रहे हैं, देखो पेड़ ही कहाँ बचे, जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहाँ से आएंगी, अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अधिक हो जाती, सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है, पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं तो वर्षा नहीं, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो, तुम निराश मत हो, खेतों में हल चलाओ, उन्हें हाँ जोत कर बोने के लिए तैयार करो, इस मौसम में कभी ना कभी तो वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई, वे उठी और लंबी टेकती हुई अपनी राह चली। जैसे ही गोमा ने बोला, बूढ़ी अम्मा देखो ना, ऐसे अकाल के समय जब चारों तरफ सब कुछ सूख गया है, फसल नहीं है, चारा नहीं है, ऐसे समय में मेरी ये बैल इतने कमजोर हो गए, इनको पानी भी नहीं मिलते, पेड़ों की पत्तियां तक सूख गई जिन्हें वो खा सके चारे के रूप में, ऐसे समय में मेरे ये बैल यदि इस कड़क जमीन को, इस कठोर भूमि को जोतेंगे तो ये तो कहीं मर नहीं जाएंगे क्या, मेरे से तो अब तो ये मेरी हिम्मत बंद नहीं रही है कि मैं यह काम करूं। तब बुजुर्ग महिला बोलती है कि बेटा इतना भी निराश नहीं होना, इतना अवसाद नहीं होना चाहिए आदमी को, इतना डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि कोई काम ही ना करे। उसने क्या बोला, पेड़ों पर पत्तियां भी नहीं, तो अब पेड़ों की बातों को लेकर बुजुर्ग महिला जो है बूढ़ी अम्मा है वो कह रही है, तुमने पेड़ों की बात तो खूब कही, ये पेड़ों, हम मनुष्य कितने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हम पेड़ों को दिन प्रतिदिन काटते हैं लेकिन नया पेड़ नहीं उगाते, और पेड़ों को काटने की वजह से जो पर्यावरण है उसका उसका जो मौसम है, पर्यावरण है, मौसम है, ये असंतुलित हो गया है, डावाडोल हो गया, ये भी जो मौसम हमेशा सही समय पर चलता था, हमारी वजह से, हमारे स्वार्थ की वजह से, हमारे मतलब की वजह से, लालच की वजह से मनुष्य पर प्रत्येक दिन अपने आप को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए प्रत्येक दिन लकड़ी काट रहा है, और लकड़ी काटकर जंगलों को खाली कर रहा है, जंगलों में अपना घर बना रहा है। तो इस कारण से जब चारों तरफ से पेड़ कट जाएंगे तो वो बारिश आएगी कहां से, क्यों, पेड़ों से ही बाष्प बनती है और पानी आता है। और ऐसा ही नहीं, इतने स्वार्थी हो गए लोग कि समुद्र के जितना समुद्र पीछे खिसकता जाता है वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते जाते हैं। तो इस तरह से तुम उसको कहां तक इस प्रकृति को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हो, प्रकृति को यदि तुम ज्यादा कंट्रोल करोगे वो एक ना एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक दिन पेड़ों को काट रहे हैं और पेड़ों को काटने पर नए पेड़ लगाते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति क्या करेगी, ऐसी स्थिति में बरसात नहीं होगी तो कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बरसात नहीं होने का कारण हमें प्रकृति नहीं, प्रकृति दोषी नहीं है, हम दोषी हैं, क्यों दोषी है, क्योंकि हमने पेड़ों को छोड़ा ही नहीं, सारे पेड़ों को काट दिया, पूरी जमीन को कंक्रीट बना दिया, रेतीली जमीन तो रहने ही नहीं थी जहां पर पेड़ अपनी जड़ों के साथ खड़े हो सके, डामर की कंक्रीट जमीन होने से वो अपनी जड़ों को ऊपर तक नहीं ला पाते, अपनी जड़ों को फैला नहीं पाते, इस कारण से पेड़ मर जाते। तो इस तरह से बरसात नहीं हो रही है, हरियाली नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत रखो, तुम अपने खेतों को जोतो, जैसे भी हो तुम अपने खेतों को जोतो, कारण आज नहीं तो कल, बरसात तो अवश्य होगी, आषाढ़ का महीना है, आज नहीं होगी कोई बात नहीं, कल नहीं होगी कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद तो अवश्य होगी। तुम अपने खेतों को जोत कर रखोगे तो जैसे बारिश आएगी तुम्हारा पेड़, तुम्हारा खेत ऑलरेडी तैयार है तो सारा पानी काम आ जाएगा, यदि तुम्हारा पेड़, तुम्हारा खेत तैयार नहीं, तुमने जोता नहीं और बारिश आ गई तो बारिश का पानी तुम्हारे खेत में लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो जोता ही नहीं है, वो पानी तो बेकार चला जाएगा। इसलिए अपने खेतों को जोत कर तैयार रखो, बारिश आशावादी बनो, निराशावादी मत बनो, आशा रखो कि हम अपना काम समय पर करें, प्रकृति अपना काम समय पर करती है, नहीं कर रही तो उसके पीछे हमारा ही मतलब है, हमारा ही स्वार्थ, मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण प्रकृति अपना काम समय पर नहीं करती, अन्यथा प्रकृति अपना काम समय पर करती है। तुम अपना काम समय पर करो, तुम अपने खेतों को जोतो, बरसात एक न एक दिन अवश्य होगी, आशावादी
दृष्टिकोण रखो, अच्छी सकारात्मक सोच रखो, नकारात्मक नहीं। आप बार 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 नकारात्मक सोचेंगे ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, तो अवसाद, टेंशन, डिप्रेशन में पड़ जाओगे। तो इस तरह से अवसाद में मत पड़ो, डिप्रेशन में बताओ, अभी तो इसके प्लस पॉइंट देखो कि मैं यदि तेजोत में रखूंगा बारिश आएगी तो मेरे हाथों में बीज लग जाएंगे, पौधों को पानी, मेरे बीजों को पानी लग जाएगा, खेत को पानी लग जाएगा, तो मेरे बीज आ जाएंगे, खेत मिल जाएगी। तो ऐसे आशावादी हो और अपने खेतों को तैयार करो। उसने, बूढ़ी अम्मा ने अपनी बात कही और उसका फिर समय हो गया अपने जाने का। उसने उस गोमा को समझाया और अपनी लकड़ी को टेक के बैठा, उसके हाथ में जो डंडा था, बुजुर्ग थी, डंडे के सारे चले थी, अपने हाथ से डंडे को टेकना, टेकना मतलब होता है रखते हुए आगे बढ़े, अपने राज के लिए, मतलब जहां उसे जाना था वहां के लिए निकल गए। वैसे तो गोमा मन में निराश था, मगर बूढ़ी अम्मा की बातों से उसे थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू किया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया, खेत खूब अच्छी तरह से तैयार हुए। गोमा अपना पूरा काम करके बहुत प्रसन्न था। अब वे बैलों को हाँकते हुए घर की ओर चल पड़ा। पूरी रात वह घूमना तरह, उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण मैं निढाल होकर सोया। अब वैसे तो गोमा निराश था, माइनस पॉइंट ही सोच रहा था, निराश था, आशावादी नहीं था, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने जब उसके अंदर उत्साह भरा। देखो, जब हमारे सामने कोई पॉजिटिविटी बोलता है, पॉजिटिव बात बोलता है, तो हमारे अंदर आशा आती है, सकारात्मक सोच आती है, नहीं हम ऐसा करेंगे तो अच्छा हो सकता है। जैसे अभी आप पढ़ने बैठे, आपकी टीचर बोलोगे, अरे क्या होता है, पढ़ लिखे तो कुछ भी नहीं बन सकता, तो फेल होगा, तो वह बच्चा घंटा घंटे फेल ही होता है। लेकिन यदि उसी कमजोर बच्चे को टीचर पेरेंट्स बोले, नहीं बेटा तो 100% पास होगा, तू मेहनत कर, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, तो वह बच्चा आगे बढ़ता है, हमेशा पास होता है। तो इस तरह से हमारी सोच, हमारा बोलना कितना दूसरे पर इफेक्ट डालता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से उस बूढ़ी अम्मा के द्वारा कहे गए अच्छे वचन, कही गई सकारात्मक सोच से जो गोमा था, उसका जो मन था, उसके अंदर आशा आई। आशावादी मतलब आशा आई, वह उसके अंदर जो निराशा थी, उसने निराशा को साइड में किया और आशा के साथ बरसात आएगी, एक नए दिन अवश्य आएगी, ऐसा सोचकर अपने बैलों को खेत पर लेकर गया और उस कठोर जमीन को उसने और उसके बैलों ने मिलकर 4 दिन तक कंटिन्यूस उसने अपने खेतों को जोता। जो काम 2 दिन में हो सकता है, 4 दिन में हुआ, लेकिन हुआ। असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है, लेकिन कब? हमारी सोच के बल पर। हम जो सोचे वो कर सकते हैं। आपको यदि पढ़ना है, पढ़कर अपना 99% लाना है, 100% लाना है, यदि आप सोचेंगे कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो करना ही है, 100% लाना है, तो आप निश्चित 101% अपने आप 4 o'clock आपकी नींद खुल जाएगी, आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे और रिजल्ट आपका 100% सोच के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप सोच लेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं करना, जो चल रहा है चलने दो, तो आपका रिजल्ट डाउन होता है। ये सब हमारी सोच के ऊपर, इस शरीर को हम अपनी बुद्धि से चलाते हैं, चलाते हमारे कहीं चोट लग जाती है, हमारी बुद्धि तुरंत कहती है लग गया, चोट लग गया, इसको क्रीम लगाओ, लहन देता है ना। आपको भूख लगती है आपके पेट के अंदर, आपकी बुद्धि कहती है भैया खाना खा ले, भूख लगी शरीर को। तो जैसा हम चाहे, यदि मैं उस वक्त बोलूं नहीं मेरे शरीर को भूख नहीं लगी, मैं अपनी बुद्धि को समझाऊंगी नहीं भूख नहीं है, आज मेरा उपवास, आज मैंने खाना नहीं खाना, तो मैं बिना खाना खाए भी जिंदा रहती, मरती तो नहीं ना, उस वक्त भी तो भूख कंट्रोल होती है। तो वो हम अपनी बुद्धि में डालते हैं कि भैया आज हमारा उपवास है, आज खाना नहीं खाना है, तो बुद्धि मानती है कि भैया खाना नहीं खाना, तो आपके अंदर जो भूख की जो तलब उठ रही थी वो शांत हो जाती है, जबकि आपने खाना नहीं खाया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि से आपके एक श्राव होता है, एक चीज निकलते, तरल पदार्थ निकलता है, वो आपके दिमाग को फैल, आपने पूरे शरीर को उस हिसाब से काम करवाता है। तो वो जो श्राव होता है, जो फैलता है, वह तरल पदार्थ आपके दूसरा तरल पदार्थ फैलता है मस्तिष्क कि भैया अब भूख नहीं लगे, अब खत्म, इनका उपवास, तो शरीर शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही सोच, हमने सोचा मैं ये काम कर सकता हूं, तो कैसा भी कठिन काम हो, कठोर से कठोर काम 100% किया जा सकता है। टाइम जरूर लग सकता है, मेहनत जरूर लगती है, कोई काम को करने के लिए मेहनत लगती है, किसी काम को करने के लिए 100% लगता है, किसी काम को करने के लिए 200% लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन
मेहनत के साथ, अच्छी सोच के साथ काम किया जाए तो कोई भी कठिन काम असंभव नहीं होता, हर काम को किया जा सकता है। तो जो गोमा एक दिन पहले अपने खेत में जमीन को देखकर आया तो क्या सोच रहा था, इस कड़क जमीन पर यदि मैं अपने बैलों को चलाऊंगा तो बैल मर जाएंगे। सोचा था ना, इतने दुबले हो गए, इतने कमजोर है मेरे बैल कि बैल मर जाएंगे। आज वही गोमा उसी कठोर जमीन पर उन्हीं बैलों के साथ 4 दिन तक लगातार खेत को जोता और खेत जोतकर तैयार कर देता है। ना बैल मरे ना जमीन खराब हुई, जमीन को जोता गया, जमीन प्रॉपर हो गई, ना बैल मरे। नहीं मरे क्यों? सोच थी हमारी, उसकी नकारात्मक सोच सकारात्मकता में बदल गई, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल गई, इसलिए उसको अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह 4 दिन उसने इतनी मेहनत की कि जब आदमी मेहनत करता है तो दिल प्रसन्न रहता है। आप शारीरिक मेहनत करते, मानसिक मेहनत करते तो आपका जो हृदय है ना वो खुश होता है कि मैंने काम किया। तो इस तरह से अपनी मेहनत को देखकर, अपने मेहनत के फल को देखकर, अरे मेरा खेत तो जुटकर तैयार हो गया, मेहनत की उसने, और मेहनत का फल क्या था, उसका खेत रेडी था बीज बोने के लिए। अपने खेत को देखकर वह प्रसन्न हो गया, 4 दिन की मेहनत लगातार कड़ी मेहनत करी, अपने बैलों को हाँक कर घर लेकर आया। गुनगुनाना, आदमी कब गुनगुनाता है? गम में नहीं, शोक में नहीं गुनगुनाता, दुख में नहीं गुनगुनाता, खुशी में गुनगुनाता है। जब आदमी का हृदय प्रसन्न होता है, आदमी का मन प्रसन्न होता है, हृदय प्रसन्न होता है, तब आदमी गुनगुनाता है। गुनगुनाना मतलब कोई भी गीत के धीरे धीरे बोलों को बोलना। तो इस तरह से गोमा आज गुनगुना रहा है, क्यों? वह प्रसन्न है, खुश है कि उसके खेतों को उसने जोत दिया और घर आया। 4 दिन से मेहनत कर रहा है इसलिए निढाल होकर सो गया। निढाल मतलब निश्चेष्ट हिलना। एक होता है आदमी जब कम थका हुआ हो और सोए तो बेचैन बेचैन से उलट पलट करके घूमता रहता है अपने बिस्तरों में, गोल गोल घूमता है। लेकिन जब आदमी बहुत मेहनत करके बाद सोता है तो एक ही सीधे में सोता रहता है, सुबह को जाते पता ही नहीं लगता, उसको बोलते हैं निढाल होना। निढाल मतलब गिरा और गिरकर पता ही नहीं कब सोया, कब 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 रात पूरी हो रही है उसको पता ही नहीं। निश्चिष्ट होकर निढाल थककर निश्चिष्ट होकर सो गया। जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां निमिया रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की आवाजें सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। वह फुलक कर उठा, उसकी पत्नी ने आनंद से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट घर आया, उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है, आसमान में बादल घुमड़ आए हैं। उसने बादलों को जी भर कर निहारा, उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति वो घर आई है। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रहकर याद आ रही थी और उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया। सोचा मैं ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे, आंगन तर बतर हो गया, मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था कि तभी बारिश और तेज। अब क्या है कि रात को थकते सोया, 4 दिन की मेहनत करी, सवेरे सवेरे उसकी, अब देखो जब किसान होता है या कोई पशुपालक होता है तो सुबह जब सोकर उठता है ना तो मौसम यदि अच्छा हो तो उसके पशु आवाज करते हैं, तो सब पशुओं की आवाज अलग अलग शब्दों के द्वारा व्यक्त की जाती है। गाय भैंस ये सब रंभाती हैं, रंभाना उनकी आवाज है, बोलने की आवाज को बोलते हैं रंभाना। जो गाय और बैल होते हैं वो रंभाती हैं। बकरियां भेड़ ये जो होती हैं ये मिमियाती हैं, ठीक है ना। घोड़ा हिनहिनाता है, पता है। चिड़िया चहकती हैं, चिड़िया मिमियाती नहीं है, चिड़िया चहकती हैं। अलग अलग सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से शेर क्या करता है, दहाड़ता है। शेर चीता ये सब दहाड़ते हैं, दहाड़ते ना। तो इस तरह से और हाथी, हाथी दहाड़ता है, हाथी चिंघाड़ता है। सबकी अलग अलग बोली होती है, अलग अलग बोलियों के अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह से सुबह सवेरे मतलब सुबह वह सोकर उठा, कौन? गोमा। गाय रंभा रही थी, उसके यहाँ गाय थी ना, एक गाय दो बैल और 20 बकरियां, पता है ना स्टार्टिंग में
एक गाय और दो बैल। तो गाय रंभा रही थी, रंभाना मतलब आवाज कर रही थी, मां मां करके चिल्ला रही थी। और बकरियां मिमिया रही थी, और 20 बकरियां थी उसके पास। काउंटिंग याद है कि नहीं है? 20 जो बकरियां थी वे मिमिया रही थी, अपनी आवाज में शोर कर रही थी। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की आवाज सुनने के लिए उसके कान कस गए। क्यों? क्योंकि प्रत्येक दिन गर्मी 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 पड़ रही थी, बरसात ही नहीं हो रही थी, तो वो जो पशु थे वो भी बेचारे थक गए थे, निढाल ऐसे उनके अंदर की आत्मा ना कमजोर हो गई थी, उनकी भी शक्ति कमजोर हो गई, चुपचाप पड़े रहते थे। उन्हें पता है ना तो कहीं खाने को मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना अच्छा सा घास चारा मिलेगा, चुपचाप पड़े रहते थे। ऐसी स्थिति में सुबह सुबह गाय का रंभाना सुनना, बकरियों का मिमियाना सुनना, इस आवाज को अपने पालतू पशुओं की, डोमेस्टिक पशुओं की आवाज को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। किसके? गोमा के कान तरसना मतलब उसके कानों को आवाज सुनने को बहुत दिन हो गए थे, उसके कान को आवाज सुननी है, लेकिन ना तो मिमियाते थे और ना ही रंभाते थे। सब अपने अपने में शांति से पड़े रहते थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी और किसी की शक्ति नहीं थी, कोई को भरपेट खाना नहीं मिला था। आज मौसम को देखकर गाय भी रंभा रही है और बकरियां भी। देखो प्रकृति में परिवर्तन होता है ना, तो सबसे पहले पशु पक्षियों को पता लगता है। पता है नहीं बात, तो मनुष्यों को बाद में पता लगता है, क्योंकि पशु पक्षियों के लिए तुम्हारे जैसे बड़े बड़े घर नहीं होते, वो खुले में रहते हैं। इसलिए यदि प्रकृति में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो सबसे पहले पशु पक्षियों को पता लगता है, आहट मिलती है, और वही अपनी आवाजों के द्वारा मनुष्यों तक उस चीज को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात बारिश आने वाली है, काले काले बादल घिर रहे हैं, इसलिए गाय रंभा रही है और बकरियां मिमिया रही हैं। वह पुलक कर, पुलक कर मतलब खुशी से चहक कर, उसे लगा अरे आज तो मेरे पशु चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। पुलकना, पुलक कर यानी चहक कर, एकदम से जल्दी से उठा, खुशी से उठकर दौड़ा गांव बाहर की ओर। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज आई, उसकी पत्नी आंगन में है, वो जग चुकी है। आंगन में मतलब घर के बाहर जो बरामदा होता है उसके अंदर है, और वहां से अपने पत्नी अपने पति को आवाज लगा रही है। अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। क्या बोली? अजी सुनते हो, संबोधन है। हर कोई अपने अपने पति को अलग अलग संबोधन देता है, आजकल नाम लेकर संबोधन देते हैं, पहले एजी ओजी करके बोलते हैं, तो इस तरह गोमा की पत्नी भी गोमा को अजी करके नाम बोलते हैं। अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, क्यों? काले काले बादल घिराए हैं, बारिश आने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया, जितनी फुर्ती से हो सकता था, क्यों? क्योंकि किसान को तो खेतों का बारिश का इंतजार था, और तो अपने खेतों को जोत रही आया था। वह तुरंत से झटपट मतलब जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी से घर के आंगन में आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। मौसम का सुहाना होना मतलब चारों तरफ काले काले बादल छा गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी गर्मी में इतनी तपन में मौसम चारों तरफ सुहावना, सुहाना मतलब होता है सुहावना, मन को आनंदित करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला हो गया। उसने बादलों को नहीं, आसमान में बादल घुमड़ाए थे, चारों तरफ से काले काले बादल घुमड़ घुमड़ आवाज करते हुए गोल गोल घूमते हुए आ रहे हैं। बादलों को उसने जी भर कर, मन भरकर, जी मतलब होता है मन, खूब देर तक उसने काले काले बादलों को देखा। क्यों? कितने समय से उसने काले बादल नहीं देखे, उसका काम ही, किसान का काम ही काले बादलों की ओर निहारना है। जैसे एक चातक पक्षी हर वक्त काले बादलों को निहारता है, चातक पक्षी नक्षत्र की बूंद की आशा करता है, हर वक्त आसमान की ओर देखता रहता है, चंद्र की तरफ देखता रहता है, ठीक वैसे ही किसान हर वक्त काले बादलों को देखता रहता है। बादल आए, बारिश आए, तो मेरे यहाँ उपज हो, मेरे यहाँ खेती हो। इस तरह से आज बहुत दिनों के बाद उसे काले बादल नजर आए, इसलिए वह जी भरकर निहारा, बहुत देर तक काले बादलों को देखता रहा। उसे लगा मानो बादलों में बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हुई आकृति उभराई है। उसे क्या लगा? मानो जब हम कोई चीज लगातार कंटिन्यूअस देखते हैं ना, तो जो हम सोचे होते हैं ना वही हमारे सामने दिखाई देता है। आपने देखा ना कभी बादलों को आप कंटिन्यूअस देखोगे तो कैसा लगता है? इसमें शायद मोर है, तो वो मोर जैसा भी हमारा, क्योंकि हमारा दिमाग कड़ा है, दिमाग से तरल पदार्थ श्राव हुआ, तो हमें वही चीज समझ में आती है, वो मोर है, ये तो मोर।
लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग जैसा है। अपने आप हमारे मन की जो कल्पनाएं चलती है वो कल्पना के हिसाब से हमें दिखाई देता है। क्योंकि बूढ़ी अम्मा गोमा को मिली थी और गोमा को बोलती गई तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी, बरसात अवश्य आएगी। तो आज काले बादलों को देखा तो उसे बूढ़ी अम्मा याद आई। वह जैसे काले बादलों को देखे जा रहा है उसे बूढ़ी अम्मा की आकृति, बूढ़ी अम्मा की जैसी चलचित्र, बूढ़ी अम्मा का जैसा चित्र आकृति मतलब चित्र उसे दिखाई दिया। कहां पर? काले बादलों में। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रहकर याद आ रही थी, रह रहकर ना बार बार उसे बार बार बूढ़ी अम्मा की बात याद आ रही थी। क्या कहा बूढ़ी अम्मा ने? मन ही मन में उसने बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया, नमस्ते, ढो प्रणाम, साधन नमस्कार होते ना। अब बूढ़ी अम्मा को उसने प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, मन ही मन, सामने नहीं है बस सोच रहा है, इसलिए उसको सामने दिखाई दे रही है बादलों में, और सामने बादलों में दिखाई देने के उसने मन ही मन से उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और सोचा ठीक कह रही थी कि तुम अपना काम समझ रहे। ये बूढ़ी अम्मा मुझे बिल्कुल सही बोलती गई, सही सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? काम समय पर करना चाहिए, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। यदि आज मैं अपना खेत जोत कर नहीं आता तो आज ही बरसात का पानी मेरे खेतों में लगता नहीं, इधर उधर चला जाता। तो बूढ़ी अम्मा की बात, बूढ़ी अम्मा क्योंकि तजुर्बेकार है, एक्सपीरियंस है उसे अपने लाइफ का, हर बुजुर्ग महिला को, बुजुर्ग इंसान को, पुरुष को, स्त्री को, सबको इतना एक्सपीरियंस होता है। यदि हम चाहें तो उनसे, यदि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए ना, तो हम कभी फेल नहीं होते लाइफ में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल हम आधुनिक हो गए, अपने बुजुर्ग माँ बाप को, बुजुर्ग दादा दादी को केयर नहीं करते, उनको इग्नोर करते, वो कुछ हमें समझाते हैं समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको बोलती हूँ, 100% बोलती हूँ, यदि आप अपने घर के बड़े लोगों की बात मान लें तो आप अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते, कोई मनुष्य फेल नहीं हो सकता। लेकिन बात माननी पड़ती है, उनकी बातों को समझना पड़ता है। उनके सर के बाल सफेद ऐसे ही नहीं हुए, उनको जिंदगी का तजुर्बा है, क्या कैसे इस जमाने से लड़कर उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत की है। उस तजुर्बे को यदि हम लोग सीख ले तो हम अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते, कभी दुख नहीं पा सकते, ये गारंटी है। लेकिन कब? जब हम उन्हें समझें। घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बुजुर्गों को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, उनके द्वारा कही गई बात को सुनना चाहिए और सीखना चाहिए, अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। सुनकर भी छोड़ देना चाहिए, सुनकर सीख कर अपनी जिंदगी को चलाना चाहिए, उतारना चाहिए। तो बूढ़ी अम्मा के बारे में सोच सोच कर उसे बार बार याद आ रही थी, बूढ़ी अम्मा ने सही कहा था कि मुझे अपना काम समय पर करना चाहिए, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी। जैसे ही देखा काले काले बादल छा गए, बादल सभी साथ आग सब मिल गए, तो जोर से बादल बरसने लगे हैं, बारिश होने लगी। आंगन तरबतर, तरबतर मतलब होता है पूरी तरह से भीग जाना। खुद गोमा भी वही कहा था, गोमा भी पूरी तरह से भीग गया, पूरा आंगन तरबतर, पूरे आंगन में बारिश का पानी फैल गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कहना चाह रही थी, उसे लगा वो बादलों को देख रहा है ना, बादलों में बूढ़ी अम्मा के रूप देख रहा है, तो उसे लगा बूढ़ी अम्मा कुछ कहना चाह रही थी। तभी तेज बारिश हुई और बूढ़ी अम्मा की आकृति खत्म हुई, क्योंकि तेज बारिश से बूंदें कंटिन्यूस तेज 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 गिरने लगी और बूढ़ी अम्मा की जो आकृति थी वो खत्म हो गई। समझ में आया? इस पाठ में आपको क्या बताया गया है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए, आप अपना काम समय पर करो और फल की इच्छा मत करो। ये हुआ ना, गीता का उपदेश है, काम का कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। ठीक वही बात इस पाठ में बताई गई है, आप कर्म करो, प्रकृति अपना काम समय पर करेगी, अर्थात आपको जो फल देना है, जो मिलना है अच्छा मीठा, आपने अच्छे कर्म किए मीठा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए कड़वा फल मिलेगा, ये प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो इसके शब्दार्थ जो कुछ रह गए उनको हम लिख लेते हैं, डालिए आप हेडिंग शब्दार्थ जो आपने डाला है, तो उसके आगे कंटिन्यूस करते हुए ही लिखेंगे, ठीक है ना। मैं नंबर 1 डालूंगी, आपका जहां खत्म हुआ था तो वहीं से कंटिन्यूस करेंगे। लगातार 4 दिन तक उसने लगातार मतलब था निरंतर बिना रुके, ठीक है, बिना रुके निरंतर उसने 4 दिन तक चलाया, खूब अच्छी तरह से खेत तरफ अब है, बहुत प्रसन्न था, प्रसन्न या ना खुश, बहुत प्रसन्न था। आदमी जब अपना काम करता है ना तो
धीरे धीरे बात करना। निढाल, निढाल मतलब होता है निश्चेष्ट, निढाल निढाल का मतलब होता है निश्चेष्ट, चेष्टा से रहित, निश्चेष्ट है ना। निढाल पकड़ गया। सवेरे माने सुबह, रमहाना है ना, रमहाना विकार, रमहाना गाय के आवाज को बोलते हैं रमहाना, गाय बैल जो भी रहे अभी तो इसमें आपको गाय है, गाय बैल भैंस इनकी आवाज है ना, इनकी आवाज को रमहाना कहते हैं। निमियाना ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा आवाज को, मिमियाना भेड़ बकरी ऐसे जो पशु होते हैं ना उनकी भेड़ बकरी की आवाज को मिमियाना बोलते हैं। पुलककर यानी खुशी से, पुलकित होकर, पुलककर, पुलककर मतलब खुशी से, झटपट से उठकर, खुशी से, पुलकित होकर, प्रसन्नता से, झटपट, झटपट मतलब होता है तुरंत, झटपट का मतलब होता है तुरंत, जल्दी से वह आंगन में आया। उसने उन काले बादलों को जी भरकर, जी भरकर मतलब होता है मन, जी दिलवा, भरकर छोड़ो, जी मतलब होता है मन भरकर, जितना मन आया उतनी देर तक, जब तक उसे तसल्ली नहीं हुई तब तक मैं उनको देखता रहा, जीवन का मना तसल्ली होने तक। आकृति यानी चित्र, बूढ़ी अम्मा की आकृति काले बादलों में दिखाई देने लगी क्योंकि वह सोच रहा था इसीलिए। प्रणाम, प्रणाम मतलब होता है नमन करना, भोग देना, नमन, नमस्कार, नमन, भोग देना। आंगन आपको पता है आंगन तर बतर यानी पूरी तरह से भीगना, तर तर बतर मतलब पूरी तरह से भीग जाना, पूरी तरह से भीगा ना तो पूरी तरह से भीग जाना, तर बतर होना। अब देखो इसमें तेज के नीचे नुक्ता आया है ना, तेज, तेज का मतलब गति, तेज गति से, और तेज होता नुक्ता नहीं होता तो आभा, ठीक है ना, समझ गए ना, मैंने आपको सिखाया नुक्ता वाला शब्द, इन चीजों का ध्यान रखते थोड़ा पढ़ा करो आप लोग। अब आप लोगों को जो मैंने कल काम बताया था, चित्र बनाना, शब्दार्थ लिखना, आप चित्र बनाएंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, प्रश्न उत्तर में आपको कल करवाऊंगी। इसमें एक चीज मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था बीच में, योजक चिन्ह समझाया था ना, द्वंद्व समास, उसमें आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही दो तीन जो इसमें है, तीन तीन चार शब्द